हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ करवाऊंगी। इस बुक में देखिए एक मिनट, इस बुक में टोटल ना आपको 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। अभी मैं इसका सेकंड ब्लॉक करवा रही हूँ और सेकंड ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको 7 यूनिट्स दे रखी हैं। मतलब कि यूनिट 4 से स्टार्ट हैं और 5, 6 और 7, टोटल 4 यूनिट्स आपको इस ब्लॉक में दे रखे हैं, जिसकी एक यूनिट मैंने करवा दी है यूनिट 4। आज हम इसकी यूनिट 5 करेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। सो यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो आपका कोर्स कोड है BEVAE 181 के नाम से, मैंने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे इसके सारे क्वेश्चंस और यूनिट्स, जितनी भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस को रिकॉर्ड किया है, तो वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो यूनिट 5 है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखिए अगेन यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो टर्मिनल क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल इस चैप्टर में 5 टर्मिनल क्वेश्चंस हैं। जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये पूरी यूनिट को कवर अप करते हैं। सो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अगर आपके पास में टाइम बचता है ये सारे यूनिट्स के टर्मिनल क्वेश्चंस करने के बाद में, तो आप चाहें तो एक बार पूरी बुक को, हर यूनिट के जितने पेजेस हैं उनको वर्ड बाय वर्ड अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और अगर नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टर्मिनल क्वेश्चंस भी करके जाएंगे तो मोस्टली आपका 90% सिलेबस इसी से कवर अप हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टर्मिनल क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ अ फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। तो आपको ना फॉरेस्ट को एज अ रिसोर्स हम मानते हैं, तो इस चीज़ का आपको इसके ना 3 मेजर फंक्शंस बताने हैं, ये जो स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करें। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 92, 93 एंड 94 पे। तो चलिए देखते हैं एक बार 92, 93, 94 पेज नंबर पे। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग आपको दे रखी है फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। सो यहाँ पे फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स में आपके पास में 3 चीज़ें आती हैं, 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है। एक आता है हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये हो गया फर्स्ट। एक आता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये हो गया सेकंड। और एक थर्ड आता है हमारा सोशो कल्चर सिग्निफिकेंस। तो इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इस आंसर को देना है, इसी में ही सब कैटेगरीज आती हैं। सो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो आपको इतना पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। फॉरेस्ट के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से ना आपको शेल्टर मिलता है, खाना मिलता है और हर्ब्स मिलती है। मेडिसिनल पर्पज़ से भी जो फॉरेस्ट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो फॉरेस्ट है ना उनसे हमें वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ मिलती है। मतलब कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फॉरेस्ट से मिलती हैं, जैसे कि फ्यूल, वुड, फाइबर, फ्रूट्स, हर्बल ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब के लिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ आपको किससे मिली है, फॉरेस्ट से। जैसे कि अगर आपको घर में फर्नीचर बनाना है, उसके लिए आपको वुड चाहिए होगी। वुड कहाँ से आ रही है, फॉरेस्ट से। आप जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वैल्यू पता है। तो जितना भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो वो किससे मिल रहा है, आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी हर्बल ड्रग्स होती हैं, जितनी भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, हल्दी हो गया, जिसको बहुत अच्छा रिएजेंट माना जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपको कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से, ट्री से, पेड़ों से मिलती हैं। तो फॉरेस्ट जो हैं हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिशियल हैं। डायरेक्टली जैसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेल्टर जो आपको डायरेक्ट मिलता है, इनडायरेक्टली कि जो फॉरेस्ट हैं उनसे आप रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को यूज़ करके उनसे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे फॉरेस्ट से हैं और हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्रेट वैरायटी ऑफ मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं, वो भी हमारे लिए एक अच्छे रिसोर्स का साधन होती है। उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैमल्स वो जो अपने यंग मंस को बर्थ देते हैं और उनको खुद से फीड करते हैं, जैसे गाय, भैंसे, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मैमल्स में आती हैं।
इसके सब के अलावा जो फॉरेस्ट है ना वो सॉइल फॉर्मेशन में भी एक ग्रेट रोल देते हैं। वाटर कंजर्वेशन, आपको पता है पानी हमारे लिए कितना यूज़फुल है, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन को रीजनरेट करने में, ऑक्सीजन को देने में, तो इन सब में किसका यूज़फुल होता है? फॉरेस्ट का। तो ये जो स्टार्टिंग में आपको पैराग्राफ दे रखा है इसमें आपको फॉरेस्ट के यूजेस बता रखे हैं। पहले तो एज अ रॉ मटेरियल, दूसरा मैमल्स और जो बर्ड्स होती हैं वो हमारे लिए किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है, तो ये बता रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है कि फॉरेस्ट इतना ही नहीं, इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन, वाटर कंजर्वेशन, ऑक्सीजन को रीजनरेट करना, तो इन सब में भी जो फॉरेस्ट है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन हम लोग ना अगर फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ हो जाएगी विदाउट फॉरेस्ट। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। सेम चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं, नॉइस है, साउंड है, उन सबको एब्जॉर्ब करने में भी जो फॉरेस्ट है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंस हैं। इसके बाद में फॉरेस्ट को एज अ रिसोर्स आप यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास थ्री इम्पॉर्टेंट मेजर हेडिंग्स आती हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सेकेंड आता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड थर्ड वन इज सोशल सिग्निफिकेंस। तो इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजिकल और सोशल सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया, जो फॉरेस्ट है ना उनसे हमें लार्ज जो चीज़ें हैं ना रेन्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घर है, फर्नीचर है और ब्रिजेस हैं, बोट्स वगैरह हैं, प्लॉग जो खेती बाड़ी करने के जो तरीके होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको किससे मिल रही है, फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी रेन्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप एक बार यूज़ किया उसके बाद आप दोबारा उनसे कोई और नई चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है उससे आपको क्या मिलता है, हनी, शहद मिलता है, वैक्स मिलती है, स्पाइसेस, मसाले मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जो मेडिसिनल हर्ब्स होती है ना, ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो आपकी जड़ी बूटियों की फॉर्म में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको किससे मिलती हैं, ट्रीज से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंस बता रखे हैं। अब इन चीज़ों से आप मार्केट में पैसा, इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जो कि दवाइयों से, मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, तो ये सब चीज़ें आप किससे बनाते हैं, फॉरेस्ट से जो आपको चीज़ें मिलती हैं, फिर इनको मार्केट में सेल करते हैं, इसके बदले आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, हमारी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आती हैं। घर का फर्नीचर भी आप बनाते हैं या आप बनवाते हैं तो आपने देखा होगा, क्योंकि जो घर में वुड का काम होता है ना, वुडन फ्लोर या जो किचन में वुडन की जो अलमीरा वगैरह बनती हैं, तो उसमें जितना भी वुड का काम होता है, लकड़ी का जो भी काम होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है बाकी काम के कंपैरिजन में। तो इसकी काफ़ी अच्छी कॉस्ट होती है और अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास में बन सकता है अगर आप अच्छे तरीके से इनका यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट आ गया कि फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होते हैं, इस वजह से हम फॉरेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब आता है जैसे जिसमें क्लाइमेट हो गया, नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम प्रोसेसेस हो गए, तो ये जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ना ये हमारे आता है सेकेंड पॉइंट में। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में, फर्स्ट आता है मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, थर्ड आता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज सपोर्टिंग नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। तो जो हमारा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसको थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट अगर बात करें तो मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट आता है, इसका मतलब क्या है, जो फॉरेस्ट है ना वो हमारा जो क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी को, बहुत ज़्यादा ठंड को, इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अब देखिए जैसे कि जो रेगिस्तान मरुस्थल वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को, साउंड को, इन सब चीज़ों को जो पेड़ पौधे हैं ना वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। इसके अलावा जिस एरिया में ज़्यादातर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा थोड़ा हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो सॉइल इरोजन में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि जो
पानी है ना वो पेड़ की जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और प्लस जो पेड़ हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिससे कि जो मृदा का अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो ना के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, इस पैराग्राफ में ना आपको जो फॉरेस्ट है उसके इम्पॉर्टेंस बता रखे हैं कि कितने सारे इम्पॉर्टेंस हमारे पास होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देखें तो वो आता है नेचुरल साइकिल को इन्फ्लुएंस करना, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और कार्बन साइकिल। मतलब कि जो वाटर साइकिल होती है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो नहीं चल पाती। इवन जो वाटर साइकिल है, मतलब पानी बाह बन के उड़ता है, फिर बादल की फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर वहाँ से पानी इकट्ठा होकर बारिश होती है, तो ये चीज़ें भी हमारे फॉरेस्ट की वजह से ही हो पाती है। इसके अलावा कि सॉइल और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो फॉरेस्ट है ना वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करने में। मतलब जो पेड़ पौधे हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। उस ऑक्सीजन को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते ही करते हैं, इसके अलावा नेचुरल और जो आर्टिफिशियल रिजर्वियर भी होते हैं ये। इन सब के अलावा जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं, इसमें भी हमारे जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब ज़्यादा स्केल पे जब अफॉरेस्टेशन करेंगे ना, मतलब कि जैसे आप मानिए आप बहुत ज़्यादा ना पेड़ लगाते हैं, एक होता है हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है अफॉरेस्टेशन। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप पेड़ों की कटाई अंधाधुंध करते हैं। पेड़ों की कटाई आप क्यों करेंगे, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ बनानी होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, आपको ज़मीन का यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम पेड़ों को काटते हैं, तो वो प्रोसेस होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। उसके अलावा जब आप लार्ज स्केल पे पेड़ पौधे लगाते हैं, जब हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो वो हमारे पास होता है अफॉरेस्टेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अफॉरेस्टेशन से ज़्यादा पेड़ लगाने से एक तो पोल्यूशन का लेवल कम हो जाता है, प्लस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब जो हमारे नेचर में हार्मफुल गैसेज एग्जिस्ट करती है ना, उसमें अपने आप ही कमी आ जाती है। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करें प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, जिनकी अलग अलग मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं उनके अंदर। अगर बहुत सारे जंगल होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जो हमारे फॉरेस्ट है ना, ये क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनके लिए यहाँ पे अगर एक आइडल कंडीशन होती है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी रहती है। मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट, बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स अलग अलग तरीके के, तो वो जंगलों में ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका ये एक बेनिफिट हो गया। ये सब पॉइंट्स आप इसमें अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये जो बायोडाइवर्सिटी ना, जैव विविधता, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनकी जो प्रजातियां हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल गायब होती जा रही है, इसी वजह से, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो फॉरेस्ट है ना, अगर वो होते हैं तो हमें बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स, हर्ब्स, मेडिसिनल पर्पज से हम जो प्लांट्स को यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो है ना, नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम और जो प्रोसेस होते हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, क्या जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फॉरेस्ट चेक द सॉइल इरोजन बाय प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ विंड्स एंड वाटर, देयर बाय प्रिजर्व द फर्टाइल टॉप सॉइल। अब जहाँ पे जंगल होते हैं ना, पेड़ होते हैं, मैंने ये प्रोसेस ना आपको बहुत पहले भी समझाया था कि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो पानी के साथ मिट्टी नहीं बह पाती, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है तो भी वो मिट्टी को ज़्यादा दूर अपने साथ नहीं ले जा पाती, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने आपस में बांध के रखती हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है ना, वो लैंडस्लाइड को रिड्यूस करते हैं, और जो साइक्लोन या फ्लड, जो बाढ़ का खतरा, जो नेचुरल डिज़ास्टर होती है, मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उनसे भी जो फॉरेस्ट है ना वो हमारी अर्थ को और ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
इसके अलावा ये सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी की सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, उसको हटाने से भी ये बचाते हैं। कैसे? क्योंकि जो पेड़ उगाएंगे तो वो पेड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से हवा या हल्के बहुत पानी के साथ में वो मिट्टी नहीं जाती है। तो ये चीज़ हो गए। इसके अलावा एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये ना जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हमारे जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, साफ सुथरी हवा मिलती है जिसमें हम सांस ले पाते हैं। इसके अलावा ये वाटर शेड्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जो फ्रेश वाटर की सप्लाई होती है उसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। सो ये हो गया आपका यहाँ तक का पॉइंट। अभी देखिए, मैंने आपको ना दो पॉइंट समझाए हैं। एक मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो कि इकोनॉमिक पैसे वगैरह रुपए जनरेट करने के उस पर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में हमारे पास में तीन चीज़ें आती हैं, जैसे कि मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज सपोर्टिंग नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। तो ये तीन पॉइंट्स हो गए इसके। अब इसमें देखिए, थर्ड टाइप इकोनॉमिक हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, अब आता है हमारा सोशल सिग्निफिकेंस या सोशो कल्चर सिग्निफिकेंस। यहाँ पे देखिए, सोशो कल्चर सिग्निफिकेंस का मतलब इसमें क्या चीज़ें आती हैं, जो हमारी आज की जो मॉडर्न और जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, इसमें कल्चर बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अपना कुछ पेड़ होते हैं जिनके पीछे हमारी ना कुछ धारणाएं होती हैं, जैसे कि तुलसी है उसको हम बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नीम है, पीपल ट्री है, तो उनकी हम पूजा करते हैं, वॉर्शिप करते हैं। तो हमारे हिंदू समाज में या जो हिंदू धर्म है उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी कुछ स्पिरिचुअल वैल्यू होती है, उनको हम बचा के रखते हैं, और उनसे हमारी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी भी क्या होती है, जनरेट होती है। देखिए, आप नॉर्मल पौधा बेचते हैं ना वो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन तुलसी आपको ऑलमोस्ट हर घर में मिलेगी। तो तुलसी को बेच के भी क्या हुआ, इकोनॉमी जनरेट हुई। कहीं से आपको सीड्स मिले, आपने तुलसी ग्रो करी और उसके बाद में आप उसको मार्केट में बेचते हैं, आपको पता है उसकी हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे पेड़ों को पूजा जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक जनरेट करने का या जो आपके पास में उस रिसोर्स की तरह यूज़ करने का एक तरीका बन जाता है। तो सोशल कल्चर सिग्निफिकेंस में यही सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको बता रखे हैं, जैसे जो न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं, टेलीविज़न वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने बहुत सारे देखा होगा कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ, फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, या फिर इनको हम क्यों इनकी माइनिंग करते हैं, इनको हटा के हम ये सब चीज़ें बना देते हैं। तो ये सब पॉइंट जो है ना, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, आप इसका यूज़ अपने आंसर में डेफिनेटली कर लीजिएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने करवा दिया। डिस्क्राइब थ्री मेजर फंक्शंस। तो यहाँ पे तीन मेजर में फर्स्ट आता है इकोनॉमिक, सेकंड इकोलॉजिकल, एंड थर्ड वन इज सोशो कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो तीन सिग्निफिकेंस हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, नेम द फोर मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने के ना आपको चार कॉजेज लिखने हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जहाँ पे पेड़ों की कटाई हम करते हैं। तो पेज नंबर 94 और 95 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये रहा पेज नंबर 94। तो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट जो कॉज आता है डिफॉरेस्टेशन का, मतलब पेड़ों की कटाई करने का सबसे पहली जो वजह आती है वो आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, समाज में लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं ना वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, खाने के लिए ज़्यादा सामान चाहिए, तो इस वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है ना उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हम लोग फॉरेस्ट और जो लैंड है ना उनको क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, या फिर जो नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड हो गए, रेलवेज ट्रैक्स हो गए, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी, और ज़मीन कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट की कटाई करके, डिफॉरेस्टेशन करके, पेड़ों की कटाई से आपको ये जगह मिलती है। तो कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के, जो पहला तरीका है डिफॉरेस्टेशन का, पहली जो वजह है वो आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आता है तो सबसे पहले आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखना होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आप आंसर में लिख सकते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है ना उसमें परमानेंट रिमूवल या जो डिस्ट्रैक्शन होता है फॉरेस्ट का और ट्रीज़ का, लार्ज स्केल पे हम बहुत सारे पौधों को, पेड़ों को, जंगलों को साफ़ कर देते हैं, तो वो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होता है।
तो इसकी पहली वजह तो पॉपुलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आप रेलवे ट्रैक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्डिंग्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक पेड़ों को काट रहे हैं। इन सब के अलावा जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फायरवुड, पेपर, अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी ज़रूरत के लिए जो चाहिए होते हैं, उनके लिए भी हम पेड़ों की कटाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सेकेंड जो कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, वो आता है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो है ना, वो दो तरीके से होती है। एक तो मतलब दोनों ही वजह जो है ना, वो ह्यूमंस से रिलेट करती हैं। पहली वजह तो होती है ड्राई वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है ना, उनमें क्या हो रहा है, आग लग रही है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी किसकी वजह से, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है कि हम लोग AC, फ्रिज, नियॉन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जिसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। दूसरा फॉरेस्ट फायर होती है, हमें ज़मीन चाहिए होती है तो काटने में टाइम लगता है, इससे बढ़िया जंगलों में क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, और एक बार में ही पूरा का पूरा जंगल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये जो होते हैं फॉरेस्ट फायर की वजह होती हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। पहली चीज़ तो देखिए, जो ड्राई ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनमें हम फॉरेस्ट को जला देते हैं उस वजह से। दूसरा जो क्राउन फायर होती है, जैसे बहुत ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो फायर है ना, वो अपने आप आ जाती है, मतलब कि उनके जो ट्री टॉप्स होते हैं, मतलब जो पेड़ की ऊपर वाली चोटी होती है ना, बहुत गहरे जंगल होते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में टकराने से फ्रिक्शन होता है, पड़ा होगा आपने पत्थर से पत्थर को टकरा के आग बनाई गई थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि जब वो एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट लेवल पे रब करते रहते हैं एक दूसरे के पास में, तो चिंगारी होती है जिससे कि आग लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर हो गया सेकेंड वजह, जिसका आंसर आप ये दो पॉइंट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जो फायर है ना, उससे जितने भी ग्रोन ट्रीज़ होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी पूरी तरीके से डेथ होती है, जो ग्राउंड फ्लोरा होते हैं, एनिमल लाइफ होती है, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ग्रेजिंग का मतलब होता है जो एनिमल्स है ना, फॉरेस्ट जंगलों में जाके चढ़ते हैं खाने के तलाश में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो घूमते हैं। तो अगर एनिमल्स एक ही प्लेस पे ज़्यादा अमाउंट में चढ़ने के लिए, ग्रेजिंग के लिए पहुँच जाते हैं, तो उस एरिया की पूरी घास को वो ख़त्म कर देते हैं। सो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जहाँ पे क्या होता है कि ये सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों को खा जाएंगे, पेड़ पौधे खा जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी को बांधने के लिए जड़ें नहीं बचेंगी, तो जिससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी जो डिफॉरेस्टेशन है इसकी एक वजह होती है। अब वो पेड़ किसी काम के ही नहीं होंगे तो लोग उनको काट के वहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है पेस्ट अटैक्स। जो पेस्ट है, मतलब जो आप खाने में ना खाद की फॉर्म में जो केमिकल्स डालते हैं कि उनको कीड़ों से बचाने के लिए, तो ये सब की वजह से जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पेड़ों की पत्तियों को खाने लग जाते हैं, तो उस वजह से हम उसमें डिजीज़ स्प्रेड ना हो, मतलब पेड़ों में ना डिजीज़ ना फैले, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उन पेड़ों को वहाँ से हटा देते हैं। तो ये भी एक वजह हो जाती है डिफॉरेस्ट की। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक मिनट, क्वेश्चंस है ना। हाँ, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, सो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाया, जिसमें मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 4 major causes ऑफ डिफॉरेस्टेशन और ये 3 major functions ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। आपके के दो क्वेश्चंस जो हैं 3 और 4 क्वेश्चंस, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हैं उतना वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।